मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह आलम अब है या नहीं है, डॉक्टर अलीमुद्दीन शिकागो में, अमेरिका में। उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक था, क्योंकि हमारे अब्दुल वहीद भाई के वो मामू थे, वो मुझे रोज मिलने आते थे। मैं कहीं और ठहरा हुआ था, वो किसी और जगह से। एक दिन ने कहा कि जी मेरी ड्यूटी लग गई है जेल पर, मैं डॉक्टर हूं ना, तो मुझे रोजाना जेल में 2 घंटे देने होंगे, कैदियों को चेक करना होगा, किसी को बीमार हो दवा देनी होगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सुनाया मक्के में आकर मुझे, उन्होंने कहा कि मैं गया तो मैंने देखा कि एक कैदी है और वो बड़ा अच्छा पेंटर है, वो बड़े पेंट बना रहा है अपने हाथों से। मैंने उससे जाके पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे सजाएं मौत हो चुकी है, तो अब मेरा फन है पेंट करना, तो इन्होंने मेहरबानी की है कि मुझे सारा सामान ला के दे दिया है, मैं पेंट बनाता हूँ और ये बेच देते हैं, इनको फायदा होता है। तो मैं तो जेल वालों की कमाई का जरिया बन गया हूं। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दफा जब मैं जेल के महीने पे गया तो मैं काबतुल्ला की एक बड़ी अच्छी तस्वीर दे गया। मैंने कहा भाई बात सुनो, मुझे पता है कि तुम मुसलमान नहीं हो, लेकिन ये काबतुल्लाह की तस्वीर है। तस्वीर तो कुछ नहीं होती है जब तक हाथ से आदमी पेंट न करे, तो आप मुझे इसका पेंट बना दें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप छोड़ दिया, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। कहते अल्लाह की शान है मुझे 2 महीने की छुट्टी हो गई, मैं पर इंडिया चला गया। 2 महीने के बाद आया तो फिर मैं अपनी ड्यूटी पे गया, तो मैं उसके कमरे में गया तो पेंट लू, तो मैंने देखा वो तो नमाज पढ़ रहा है। मैं हैरान हो गया, अभी ये तो एक काफिर है। खैर वो इतने खुशु से नमाज पढ़ रहा था कि मेरी ड्यूटी के 2 घंटे गुजर गए। बारह जब वो फारे हुआ, मैं जाके मिला, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये आपने क्या ला के मुझे दिया। मैंने कहा भाई ये काबतुल्ला है, अल्लाह का घर है। इन अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, ये वो घर है जिसको अल्लाह ने बरकत वाला कहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसमें कोई ऐसी तासीर है कि मैं यूं यूं इसकी तस्वीर बनाता गया, बिल्कुल काबा मेरे सीने में उतरता गया। मैं जब फारिग हुआ तो मैंने सुप्रिंटेंडेंट से कहा कि किसी आलम को बुलाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उन्होंने किसी आलम को बुलाया, उन्होंने मुझे मुसलमान किया, मुझे कलमा पढ़ाया और वो तस्वीर भी देखी। तो सुप्रिंटेंडेंट जेल कह रहे हैं इसकी एक कॉपी मुझे भी दे दो, उसकी कॉपी मैंने उसको भी दे दी। उसका फायदा ये हुआ कि मेरी अपील थी अपना सदाए मौत के खिलाफ मंजूर हो गई, मैं बरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। तो मैं वहां से बरी होने के बाद डॉक्टर अलीम के पास आया, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बरी हो गया हूँ। उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करें कि आपकी इतनी बड़ी अस्पताल है, मुझे कोई कमरा दे दें, वहां बैठ के मैं पेंट के करूंगा। तो मैंने उसको कमरा दे दिया है। उन्होंने कहा ये है काबतुल्लाह की बरकत। हम आते हैं आजकल के चले जाते हैं, पता ही कोई नहीं कि काबा शरीफ देखा था कि नहीं देखा था। लाज़िम आदमी जब यहाँ आए और आने के बाद उसको कुछ हासिल न हो तो वो जैसे आया था वैसे गया, उसमें तब्दीली आनी चाहिए।